नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपके गणित की बुक का सातवां अध्याय, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ये वीडियो निर्देशांक ज्यामिति की आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्न एक है, बिंदु -3, -2 और 2.5, -0.5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आशा है आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे और अभी तक आपको दूरी सूत्र याद हो गया। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। माना कि -4 का मान हो जाएगा बराबर 3 के -6 बटे में k
a जमा 1, क्योंकि पहला मान पहले के बराबर होगा और इसी प्रकार 6 बराबर हो जाएगा -8 गुणे में के जमा 10 बटे में के जमा 1। अब हम इसको आगे हल करें तो अगर हम इन दोनों में से पहले को भी हल करें या दूसरे को हल करें तो दोनों में से ही हमें के का मान प्राप्त होता है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले को हल करते हैं, यानी -4 बराबर 3 के -6 बटे में के जमा 1 को हम हल करते हैं। ये आ जाएगा -4 बराबर के जमा 1 बराबर 3 के घटा 6 यानी -6। क्या हम इसको लिख सकते हैं -4 के -4 बराबर 3 के -6। अब हम k को एक तरफ लेकर जाएं और अचर संख्या को एक तरफ लेकर जाएं तो प्राप्त होगा -4 के -3 के बराबर 4 -6। इसको हम आगे हल करते हैं तो प्राप्त होगा -7 के बराबर -2 यानी k बराबर हो जाएगा -2 बटे -7 और अंश और हर से माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो बराबर आ जाएगा 2 बटे 7 यानी k अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 2:7 2:7 हमारा वांछित अनुपात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदुओं 4, -1 और 0, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। चलिए हल करते हैं इसको। प्रश्न में दिया है x1, y1 4, -1 और x2, y2 दिया हुआ है 0, -3। और मान लेते हैं हम p x, y वांछित है, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होगा। और हम सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे, x1, x2 बटे 2, y1, y2 बटे 2। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है x, y बराबर 4, 0 बटे 2 -1, -3 बटे 2। आगे हम हल करेंगे x का मान आएगा और y का मान आएगा -2, -3। अगला प्रश्न देखते हैं, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शेष इसी क्रम में -4, -3, -5, -2 आपको आखिरी वीडियो में बताया गया था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें। यहाँ एक चतुर्भुज दिया हुआ है और उसके निर्देशांक दिए हैं, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लेते हैं एक चतुर्भुज है जिसमें -4, -3, -5, -2 तथा -2, -3 है। तो अगर आपको याद हो तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें त्रिकोण खींच के और चतुर्भुज को दो त्रिभुज में भाग देते हैं। तो नहीं याद तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लेते हैं चतुर्भुज को ए बी सी डी, तो हम क्या करेंगे, एक भी त्रिकोण खींच, चाहे तो हम बी डी खींचे चाहे तो हम ए सी खींचे। तो ये यहाँ से हम ए सी त्रिकोण खींच लिए। ए सी त्रिकोण खींचने के बाद ये चतुर्भुज दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी एक हो गया है त्रिभुज ए बी सी और दूसरा हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी। अब हम दो अलग अलग विभाजित। प्रश्न में हमें एबीसी के निर्देशांक इस प्रकार दिए हैं, है -4, -2 -3, -5 सी है 3, -2 और डी है 2, 2। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और हम यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। 1/2 x1 - y2 - y3 - y1 - y2 - x3 - y1 - y2 - y3 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 - y1 - y2 -
यहाँ पर हम एबीसी के निर्देशांकों के मान को प्राप्त होता है 1/4 -5 -2 -3 -2 -5 अगर आप इसको आगे हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/2 -5 जमा घटा 3 हो जाएगा और उसके आगे वाले ब्रैकेट -2 -5 -2 -5 हम इसको आगे हल करेंगे 1/2 × 12 = 0 इसको अगर आप आगे हल करेंगे तो ये आएगा 10.5 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 10.5 वर्ग मात्र। अब हम क्या करेंगे? अब हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल करेंगे, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम फिर से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लेंगे। अब यहाँ पर एडीसी के निर्देशांकों को प्रतिस्थापित प्राप्त हुआ 1/2 -4 × 3 -2 -2 -3 -2 -3 यानी इसको अगर हम आगे हल करें तो ये आ जाएगा 1/2 -4 × 3 -2 -2 -2 -1/2 - 20 -15 = -17.5 आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल आया है वो माइनस में आया है, पर आपको पता है कि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, माइनस को हटाने के लिए यहाँ पर मोड लगाएंगे, यानी एडीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा -17.5 और मोड के बाहर जो भी संख्या आती है वो हमेशा ऋणात्मक होगा, यानी ये बराबर हो जाएगा 17.5। एडीसी का क्षेत्रफल है 17.5 वर्ग मात्र। अब हमें ज्ञात करना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, दोनों को अगर हम जोड़े तो हमें प्राप्त होगा चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। हमने अभी ज्ञात किया कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 10.5 वर्ग मात्रक तथा त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल है 17.5 वर्ग, दोनों को हम जोड़ेंगे यहाँ पे, यानी 10.5 + 17.5 वर्ग मात्रक जो कि बराबर होगा 28 वर्ग मात्रक। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल है 28 वर्ग मात्रक। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है और ये अध्याय भी समाप्त हो गया है। अगली वीडियो में हम अगले अध्याय से शुरू करेंगे।